हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं विलयन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारा टॉपिक चल रहा था सांद्रता की इकाइयां। और सांद्रता की इकाई में हम एक द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ चुके हैं, और आज दूसरी की चर्चा करते हैं, और वो है द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी आयतन प्रतिशत दे लेते हैं पहले। चलो आयतन प्रतिशत, एक ही बात है, आयतन प्रतिशत। तो सुनना पहले आयतन प्रतिशत क्या होता है, कि जब किसी विलयन के 100 आयतन भाग में, किसी विलयन के 100 आयतन भाग में विलेय पदार्थ भी आयतन के रूप में घुला हुआ हो, कोई सॉल्यूशन है, विलयन है, उसका आयतन 100 ml है। ये विलयन का आयतन बता रहा हूं, पूरे सॉल्यूशन का आयतन 100 ml है। उसमें आपसे ऊपर से जो मिलाते हो कौन, विलेय पदार्थ, वो विलेय पदार्थ भी ml के रूप में हो, अर्थात आयतन के रूप में हो, तो उसे उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो मैं आपको समझाने के लिए यूं बोलूं, जब किसी विलयन के 100 आयतन भाग में विलेय पदार्थ भी आयतन के रूप में घुला हो, जब किसी विलयन के आयतन भाग में, या यूं बोलूं 100 आयतन भाग में, एक ही बात है, जब किसी विलयन के 100 आयतन भाग में विलेय पदार्थ भी आयतन के रूप में घुला हुआ हो, तो उसे उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यूं समझाऊं कि जब 100 ml विलयन में, जब 100 ml मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ मिलीलीटर के रूप में घुला हो, जब 100 मिलीलीटर विलयन में और विलेय पदार्थ मिलीलीटर के रूप में घुला हुआ हो, तो उसे उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अब आयतन प्रतिशत, एक बात आपको याद रखनी है, आयतन प्रतिशत में आप ध्यान देना, ये V/V राशि है। कहने का अर्थ, विलेय पदार्थ का भी आयतन वॉल्यूम आएगा और विलयन का भी वॉल्यूम आएगा। विलेय पदार्थ भी वॉल्यूम के रूप में, विलयन भी वॉल्यूम के रूप में, तो उसे हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत। और आयतन प्रतिशत का जब आप सूत्र लिखो तो आप लिखना कि विलेय का आयतन, और ये आयतन हमेशा मिलीलीटर में होगा, तो विलेय का आयतन हो जाएगा और बटे में विलयन का आयतन हो जाएगा। विलयन का आयतन ये भी याद रखना मिलीलीटर में होगा, और प्रतिशत में इनटू 100 कर देंगे वहां। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ही ध्यान में रखना है कि विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में इनटू 100। और इसको दूसरे शब्दों में यूं भी लिखा जा सकता है, कैसे, आप जानते हो विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। विलयन का आयतन 2 के बराबर होता है, किसके, विलेय और विलायक का जो आयतन है वो तो विलयन का आयतन कहलाता है। तो यहां विलेय, दोबारा लिख रहा हूं एक सूत्र, और दूसरा एक सूत्र तो ये हो गया कंप्लीट, एक सूत्र आप इस प्रकार लिख सकते हो, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे में, दोबारा यही लिखूंगा, विलेय का आयतन वापस ये वाला भी मिलीलीटर में, और यहां एक काम और करूंगा, यहां प्लस में कर दूंगा विलायक का आयतन, क्योंकि विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक, तो यहां लिखूंगा विलायक का आयतन, और विलायक का आयतन ये भी मिलीलीटर में होगा, और इनटू हम 100 लगा देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि सूत्र समझ में आया होगा, कि आयतन जब हम निकालेंगे प्रतिशत, तो आयतन याद रखना कि V/V, अर्थात ये आयतन दोनों चीजों का, यानी ऊपर से जो मिला रहे हो उसका भी आपको आयतन लेना है, सारा जो विलयन है उसका भी आयतन लेना है, तो
विलेय का आयतन मिलीलीटर में, बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100, और विलेय का आयतन दोबारा दूसरे सूत्र में वो ही सेम आ जाएगा, लेकिन यहां विलयन के स्थान पर दो चीजें आ जाएंगी, विलेय का आयतन मिलीलीटर और विलायक का आयतन भी मिलीलीटर इंटू 100 लगा देंगे, और इसे एक वेंचर के रूप में ढालें तो विलेय का आयतन, विलेय को आप ध्यान रखना हम बी से दर्शाते हैं, विलेय को केमिस्ट्री में बी से लिखते हैं, और आयतन है आयतन को वी से लिखेंगे, वी बी, वी बी, ठीक है ना, किसका, विलेय का आयतन, बी कौन हो गया, विलेय, विलेय का आयतन, और बटे में दोबारा वही है विलेय का आयतन, प्लस में अब यहां आएगा विलायक का आयतन, क्या आएगा यहां पर, विलायक का आयतन, तो इसको आप यहां ए से लिख देना, ठीक है ना, इसको आप यहां ए से लिख देना वी ए, और इनटू हम यहां 100 कर देंगे इस प्रकार से, और ये हमारा एक व्यंजक बन जाएगा, इतना सा ध्यान रखना है। अब इसको आप एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करोगे तो एक बात ध्यान में रखना, जैसे इसमें एक बार एक प्रश्न पूछा था, बहुत पहले पूछा था, अब इन सालों में तो भी बहुत पहले पूछा था, और वो प्रश्न यूं दिया था, इससे संबंधित था, क्या कि 25% वी वटे वी एथेनॉल, 25% वी वटे वी एथेनॉल का अभिप्राय लिखिए, अभिप्राय मतलब मीनिंग, मतलब कि मतलब क्या है, अर्थ क्या है, 25% वी बटे वी ये साथ में दिया हुआ था, इसी से पता चलेगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत है या आयतन प्रतिशत है, तो वी अपॉन वी, 25% वी अपॉन वी यानी आयतन बटे आयतन, यानी विलेय पदार्थ का भी आयतन और संपूर्ण विलयन का भी आयतन, तो एथेनॉल था 25%, और उसका अभिप्राय, उसका आशय, उसका अर्थ क्या है वो हमें लिखना था, तो इसका अर्थ ये हुआ वी बटे वी है, तो आप देखना कि दोनों ही राशियां द्रव के रूप में होंगी और द्रव का होता है आयतन, तो आप बोलोगे कि 25 ml एथेनॉल, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या है कि 25 ml एथेनॉल और 75 ml जल में घुला हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 25 ml एथेनॉल 75 ml जल में घुला हुआ है, और संपूर्ण वीर्यन का आयतन कितना है, संपूर्ण वीर्यन का आयतन 100 ml होगा, संपूर्ण वीर्यन का आयतन 100 ml होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि 25% वी बटे वी है, तो आप बोलोगे 25 ml यानी ये राशि भी ml के रूप में, ये राशि भी ml के रूप में, तो 25% को हम बोलेंगे 25 ml, ठीक है ना, और परसेंट दिया है तो पीछे 75 बच गया, तो 75 जल हो जाएगा, 75 ml जल हो जाएगा, और संपूर्ण विलयन का आयतन कितना होगा, 100 ml हो जाएगा, यानी 25 और 75 100 ml हो जाएगा, तो ये इस पर बहुत पहले एक यू सामान्य सा प्रश्न पूछा गया जिसका अभिप्राय हमें बताना था, तो इस वी बटे वी से ये और एक्सप्लेन हो जाएगा। अगली सांद्रता की इकाई है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो मैं यहां लिख देता हूं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी दो एक साथ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और याद रखना द्रव्यमान को हम भार के रूप में लेते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं W और अपन आयतन को V के रूप में, तो ये W अपॉन V परसेंट है, W बटे में V, यानी ये तो भार के रूप में, द्रव्यमान तो भार के रूप में आ जाएगा, आयतन आप V वॉल्यूम के रूप में यहां आ जाएगा, तो वो ml में होगा, वो ऊपर वाली ग्राम मात्रा होगी, ये ml के रूप में होगा, आपको ध्यान में रखना है, और आप इसे जब परिभाषित करो तो आप बोलोगे किसी विलेय पदार्थ की, विलेय वो होता है जो आप ऊपर से मिलाते हो, किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम मात्रा, क्योंकि ये तो ग्राम के रूप में होगा, किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम मात्रा जो विलयन के 100
सौ आयतन भाग में घुली हुई हो, किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम मात्रा जो वीर्यन के सौ आयतन भाग में घुली हुई हो, वह उस वीर्यन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। वह उस वीर्यन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या बोलोगे कि किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम मात्रा जो वीर्यन के सौ आयतन भाग में घुली हुई हो, ग्राम मात्रा लेनी है विलेय की, वीर्यन के सौ आयतन भाग में घोलनी है तो वह उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। और सूत्र के रूप में लिखेंगे तो हम यूं लिख देंगे द्रव्यमान आयतन यानी W बटे V परसेंट बराबर, यहां बराबर ध्यान लगा लेता हूं, बराबर आप ध्यान देना, आप लिखोगे विलेय की ग्राम मात्रा, क्योंकि ऊपर W लिखा है और ये विलेय है, तो आप लिखोगे विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा बटे में, याद रखना वीर्यन का आयतन आएगा V, वॉल्यूम, वीर्यन का आयतन आएगा, वीर्यन का आयतन ये हमेशा ml में होगा, ये ग्राम में होगी तो ये ml में होगा, और इंटू 100 लगा देंगे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। इसका सूत्र बस एक यही बनेगा, आपको ध्यान में रखना है। अब इस सूत्र पर और आंकिक प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है वो देखिए आप, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं 2% W बटे V, ये साथ में दिया हुआ होगा कि मतलब द्रव्यमान आयतन 2% एक ऐसी सांद्रता की इकाई जिसमें द्रव्यमान और आयतन है, तो 2% द्रव्यमान आयतन NaCl, ठीक है, NaCl का 500 ml, का 500 ml विलयन बनाया गया है, क्या बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन हेतु वीर्यन हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, दो परसेंट W अपॉन V NaCl का 500 ml सोल्यूशन बनाया गया है, इस सोल्यूशन हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, तो कहने का अर्थ मैं आपको बताऊं 2% यहां परसेंट ये पोर्शन पहले से दिया है 2% है, ठीक है ना, इस सूत्र में ये जो बनता है ना, ये जो बनता है 2% हमें पहले से दिया है, ये प्रतिशत निकाल कर दिया है हमें 2 पहले से, और विलेय यानी नमक की मात्रा पूछी है, तो ये मात्रा हमें पूछी है, यहां NaCl है, यहां ऊपर क्या है NaCl, ये NaCl की मात्रा यहां आएगी, विलेय की मात्रा वो हमसे पूछी है कि 2% सॉल्यूशन बनाने के लिए सारा और ये NaCl कितने ग्राम लिया गया था वो हमसे पूछा है, तो यहां 2% इज इक्वल टू NaCl की मात्रा तो हमें पूछी है, ठीक है ना, NaCl की मात्रा वो तो हम निकाल लेंगे, और बटे में वीर्यन का आयतन देखो 500 ml दिया है, तो वीर्यन का आयतन नीचे 500 ml लगा देंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना, और आप जब इसको हल करोगे तो आपकी ये 10 ग्राम मात्रा आ रही है ना, ठीक है ना, 10 ग्राम मात्रा आ रही है, तो अब NaCl की कितनी मात्रा ली गई थी, इसको 2% सॉल्यूशन को 500 ml में घोलकर बढ़ाया गया, तो उसमें NaCl की 10 ग्राम मात्रा ली गई थी, तो याद रखना NaCl की मात्रा को ग्राम के रूप में, आयतन ml के रूप में, तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ये नोटिस में रखना है। हमारा अगला टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी ठोस पदार्थ किसी लिक्विड में कैसे घुलते हैं, तो ठोसों की द्रव में विलेयता, तो विलेयता सुन लीजिए क्या होती है, सोल्युबिलिटी जिसे आप बोलते हो, निश्चित ताप पर कोई ठोस विलेय पदार्थ विलायक में
जितनी अधिकतम मात्रा में भूलता है उसे उसकी विलेयता कहा जाता है। निश्चितता पर कोई ठोस विलेय पदार्थ किसी विलायक में जितनी अधिकतम मात्रा में घुलता है उसे उसकी विलेयता कहा जाता है। तो ये छोटी सी बात याद रखना। और फिर है ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। डेफिनेशन के बाद ठोसों की जो विलेयता होती है उस विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं तो उनमें सबसे पहला जो कारक है वो एक नंबर पर हम पढ़ते हैं विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति यानी सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनकी नेचर क्या होगी वो पढ़ते हैं। विलेय और विलायक की प्रकृति, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो याद रखना विलेय तो वो होता है जो आप किसी विलायक में घोलते हो, जैसे मतलब ऊपर से घोलते हो, जैसे आप चीनी को पानी में घोल रहे हो, नमक को पानी में घोल रहे हो, तो वह चीनी और नमक के विलेय पदार्थ है, सॉल्यूट है। और विलायक जिसमें आप घोल रहे हो, जिसने आपको पात्र में भर रखा है और पात्र में आप उसमें कुछ ऊपर से डाल रहे हो, जैसे आप पानी लेते हो तो पानी क्या है, विलायक है। तो विलेय और विलायक की प्रकृति, तो यहां एक सामान्य सिद्धांत लगता है और उस सिद्धांत को आप ध्यान रखना कि विलेय और विलायक की प्रकृति का जब हम जिक्र करते हैं तो एक सिद्धांत लगता है और वो सिद्धांत क्या होता है, समान समान को घोलता है, लाइक लाइक डिजॉल्व, समान समान को घोलता है। ये बात आप याद रखना, ये एक सिद्धांत है। जब जब आप ठोस पदार्थों को और किसी द्रव में घोलोगे तो यह सिद्धांत काम करता है, समान समान को घोलता है, लाइक लाइक डिजॉल्व्स, ठीक है ना। तो कैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो ध्रुवीय ठोस पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे, जो ध्रुवीय ठोस पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे, और जो अध्रुवीय ठोस पदार्थ है वो अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। तो बताइए समान समान को घोलता है सिद्धांत काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे KCl, NaCl, KNO3, आप इनको किसी विलायक में डालोगे तो ये तो K प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, टूट गया आयनों, दो ध्रुव बन गए, एक धनावेशित ध्रुव एक ऋणावेशित ध्रुव। तो बताइए फिर ये पदार्थ ध्रुवीय है कि नहीं, है ये ध्रुवीय, जिसमें दो ध्रुव बनते हैं वो ध्रुवीय होता है। इसी प्रकार NaCl जिसमें Na प्लस Cl माइनस, इसमें भी दो पोल बन गए, दो सिरे बन गए, दो पोल कौन कौन से, धनावेशित और ऋणावेशित, तो फिर ये भी ध्रुवीय है। इसी प्रकार इसको जल में डालोगे तो K प्लस और NO3 माइनस, तो ये भी ध्रुवीय है, इसमें भी दो ध्रुव बन गए, तो ये ध्रुवीय हुए सारे। जो आप किसी विलायक में डाल रहे हो ठोस पदार्थ और अगर वो आयनों में डिवाइड हो जाए तो जाहिर सी बात है वो पदार्थ ध्रुवीय कहलाते हैं, उनमें दो सिरे बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, इस कारण उन्हें ध्रुवीय कहते हैं। और ये ध्रुवीय पदार्थ किसमें घुलेंगे, आगे जो विलायक है वो ध्रुवीय होगा तो ही उसमें ये ध्रुवीय पदार्थ घुलेंगे, ये ध्रुवीय पदार्थ आगे जो ध्रुवीय विलायक होगा उसमें घुलेंगे। अब आप कहोगे कि ध्रुवीय विलायक कौन सा, जैसे जल है, ये सारे के सारे जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, तो कहने का ये ध्रुवीय हुए तो क्या यहां विलायक है वो भी ध्रुवीय है, हाँ विलायक भी ध्रुवीय है। कैसे, आप जैसे देखते हो कि H2O की संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से आपके वी शेप संरचना होती है, उल्टा वी शेप संरचना होती है, O की ऋणता इस H से अधिक होती है, O की विद्युत ऋणता इस H से अधिक होती है, तो O क्या करता है, O परमाणु अपने बंद के इलेक्ट्रॉन को, इस बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे इस पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार
यहां इस साइड देखो तो इस ओ परमाणु की विद्युत दृढ़ता इस एच परमाणु से अधिक है, तो ये ओ परमाणु बंद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इस पर भी इस साइड में आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो बताइए फिर H2O में एक O है वो तो ऋणावेशित हो गया और दोनों H परमाणु क्या हुए धनावेशित हो गया। ये साइड देखूं तो एक ऋणावेशित सिरा एक धनावेशित सिरा, अगर ये साइड देखूं तो एक ऋणावेशित सिरा एक धनावेशित सिरा। बताइए दो सिरे बने कि नहीं बने, दो पोल बने कि नहीं बने, दो पोल बन गए तो ये ध्रुवीय है। तो जल ध्रुवीय विलायक है, प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक कौन है, जल को माना जाता है। और जल आपके यूं कहा जाता है कि 99.9% और जो चीज है उनको घोल लेता है, कुछ चीजें जल में नहीं घुलती है। तो जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है, याद रखना। जल में दो सिरे बन जाते हैं धनावेशित और ऋणावेशित, इस कारण जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और इधर जो ठोस पदार्थ जिनमें धनावेशित और ऋणावेशित दो सिरे बन जाते हैं तो वो भी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां ये ठोस पदार्थ अर्थात विलेय पदार्थ ध्रुवीय प्रकृति के, यहां ये विलायक पदार्थ ध्रुवीय प्रकृति का। तो मतलब आप याद रखना कि ये ठोस विलेय पदार्थ जो ध्रुवीय प्रकृति के वो ध्रुवीय प्रकृति वाले विलायक में घुल जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं समान समान को घोलता है कि ठोस ध्रुवीय पदार्थ ठोस ध्रुवीय पदार्थ ठोस आपके न सॉरी द्रव विलायक में घुल जाते हैं अर्थात ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। ठोस ध्रुवीय पदार्थ और ध्रुवीय द्रव विलायक में घुल जाते हैं। इसी प्रकार आप याद रखना अध्रुवीय ठोस विलेय पदार्थ अध्रुवीय ठोस विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, जिसे समान समान को घोलता है कहा जाता है। ये सारे आयनिक ठोस हैं अर्थात ध्रुवीय ठोस हैं तो ये ध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे। इसी प्रकार आप देखना अध्रुवीय पदार्थ जैसे बताऊं मैं आपको I2 आयोडीन अध्रुवीय होती है, इसमें दो सिरे नहीं बनते तो अध्रुवीय है। इसी प्रकार सल्फर का अणु S8 सल्फर का पूरा अणु S8 लिखा जाता है, ये भी अध्रुवीय होता है। तो ये अध्रुवीय तो ये किस में घुल सकते हैं, ये घुल सकते हैं आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड पानी जैसा होता है लेकिन पानी तो नहीं होता है, पानी के जैसे कलर का होता है लेकिन पानी नहीं होता है। इसी प्रकार एक होती है कार्बन डाई सल्फाइड CH2, वो भी आप याद रखना पानी जैसी होती है लेकिन पानी नहीं होती है। तो फिर ये कौन से हो गए, ये अध्रुवीय विलायक, ये दोनों को दोनों अध्रुवीय विलायक हैं और ये अध्रुवीय ठोस है। तो अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं और ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, इसे कहते हैं समान समान को घोलता है। और ये आपके विलेय और विलायक की प्रकृति होती है। तो विलेय और विलायक की प्रकृति में कैसे बताएंगे, हम लोग बताएंगे कि वे ध्रुवीय विलेय पदार्थ, वे ध्रुवीय विलेय पदार्थ जो धनावेशित और ऋणावेशित दो भाग बना लेते हैं वे हमेशा ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। और जो अध्रुवीय पदार्थ जो अध्रुवीय विलेय पदार्थ जो कि दो सिरे नहीं बना पाते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। इतनी सी सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखना।